कामयाबी की कहानी सुनेंगे एक और बिजनेसमैन की जुबानी। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में, और मैं हूँ आपके साथ नेहा वालिया। तो किस तरीके से शून्य से शिखर तक का सफर तय किया जाए, किस तरीके से तमाम समस्याओं का, तमाम परेशानियों का सामना किया जाए, आज जानेंगे एक और बिजनेसमैन से। तो आज के इस खास कार्यक्रम में विपिन खन्ना हमारे साथ हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत खबरें अभी तक में। नमस्कार। तो सबसे पहले, एक कामयाब बिजनेसमैन है आप, और जब भी कामयाब बिजनेसमैन की अगर बात की जाए तो उनमें एक नाम आपका भी है, तो सबसे पहले अपना अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए मैडम, लगन होना चाहिए काम करने के लिए तो जिंदगी में तरक्की मिलती है। अगर आपका लगन नहीं तो तरक्की नहीं मिलती है। तो विपिन जी, जब शुरुआत की आपने, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, सोचते हैं बड़ा होकर ये बनूंगा, बड़ा होकर इस फील्ड में जाऊंगा, तो क्या शुरू से ही आपने सोचा था कि आप बिजनेसमैन बनेंगे, व्यापार करेंगे? हमारे जो फादर थे वो बिजनेसमैन थे शुरू से, और जब पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का 48 में, तो तब उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट बनाई, जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी। उसके बाद से, फादर की डेथ होने के बाद से भी और आज तक भी वो कंपनी हमारी चल रही है। वो हमारा एक ग्रुप है, वो ग्रुप के अंदर चल रहा है और तब से लेके आज तक चलते ही आ रहे हैं। तो विपिन जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या बिजनेस है आपका, और कहाँ से आपने शुरुआत की और आज कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं? मैडम, मैं तो जब 1971 में जयपुर गोल्डन की मैं गया, तब से लेके आज तक जयपुर गोल्डन में हूँ और जयपुर गोल्डन का काम देखता हूँ। दूसरा, मैं एक रिजोर्ट बनाया हुआ है राजीव रिजोर्ट के नाम से, जो 93 में मैंने खुद बनाया अपने हाथ, मतलब मेरे मेहनत से समझो, मेरी लगन से समझो, या किसी भी उससे आप समझे, जब आदमी मेहनत करता है तो शिखर पे पहुँचता ही है। कह दें कि आपकी मेहनत का नतीजा है कि यहाँ तक आप पहुँच पाए हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि शुरुआत आपने की, आपने रिजॉर्ट बनवाया, खुद की मेहनत से वो काम किया है, तो कुछ भी करने के लिए मुझे लगता है बहुत सारी कई बार परेशानियाँ भी सामने आती हैं, मुश्किलें भी सामने आती हैं, आपके सामने भी आई? मुश्किल तो आती हैं, हर काम में आती हैं, कोई भी काम हो तो, पर उसका फेस करना आना चाहिए आदमी को, फेस करेगा तो निकल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो यानी कि अगर परेशानियां आई आपके सामने तो आपने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा खुद पर प्रेशर डालने नहीं दिया, या दबाव कहें कि बढ़ने नहीं? मैं अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर प्रेशर डालता ही नहीं हूँ। जो काम मुझे करना है वो करना है, बस मेरी काम है लगन, मेहनत, इस चीज़ के ऊपर मेरा ध्यान रहता है। दूसरा, जो आदमी भी किसी उस पर सोचेगा कि मैं काम करूँ और मुझे फल मिले, मैंने कभी फल की इच्छा नहीं रखी है, क्योंकि अगर मैं फल की इच्छा रखूंगा तो मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी इच्छा जब पूरी नहीं होगी तो मैं अपने आप को फेलियर समझूंगा, इसलिए मैंने कभी इच्छा रखी नहीं है। बट भगवान जो है उसी को फल देता है जो मेहनत से लगा रहा है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको फल मिलेगा, भले ही देरी से मिले पर मिलेगा ज़रूर। जी, तो जिस तरीके से अब आपने बताया कि रिजॉर्ट हैं अलग अलग और बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचे हैं आप, परिवार वालों की अगर बात की जाए तो पारिवारिक माहौल कैसा है इन चीज़ों को लेकर? हमारे परिवार बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है, परिवार का सहयोग से ही सब कुछ होता है। बीवी मेरी ने आज तक मुझे रोका नहीं किसी काम से, बच्चों ने कभी रोका नहीं, बच्चे मेरे साथ हैं और वो भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ। विपिन जी, जब किसी बिजनेस की शुरुआत की जाती है तो ऐसा होता है कि उसके लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम देंगे तभी चीज़ें स्मूथली हो पाएंगी, या कहें कि जो सोचा है वो हो पाएगा। तो बिजनेस के साथ साथ परिवार को जो आपका समय चाहिए था, उन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज किया? मैं सुबह 10 बजे घर से निकलता हूँ, शाम को 5:30 बजे अपने घर में चला जाता हूँ, तो सारा दिन सारी रात परिवार के साथ है। मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को आप अलग अलग है? नहीं, वो साथ में तो है ही है, बट काम के टाइम में काम होना चाहिए, और जब आप घर में हैं तो घर का काम घर में, मैं घर में बैठ के बिजनेस को नहीं करता जी। तो दोनों चीजों को अलग 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 है।
विपिन जी, जितने भी हमारे दर्शक हैं उन्हें बताइए, एज अ बिजनेसमैन आप व्यापारी हैं और आपके सामने तमाम वो चीज़ें आती हैं जो और लोगों के सामने भी आती होंगी, तो कई बार ऐसे होता है कि परिस्थितियां जो होती हैं विपरीत हो जाती हैं, चाहे पैसे को लेकर बात कर ली जाए, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए या उसे चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो जब आपकी आपका समय था, आपने बिजनेस की शुरुआत की, तो क्या वो परेशानियाँ आपके सामने भी आई, और अगर आई तो किस तरीके से आपने उन्हें टैकल किया? परेशानियाँ तो सब काम में आती हैं, मगर फेस करना आना चाहिए उसको, उसको हैंडल करना आना चाहिए आपको। कोई ऐसा काम नहीं ज़िंदगी के अंदर जिसके अंदर आपको परेशानी नहीं आती, और उस परेशानी को फेस कर जो आदमी कर लेगा वो ज़िंदगी में सीढ़ी चढ़ता हुआ ही जाएगा, रुकेगा नहीं कभी। मेरा अपना जो जो मेरा अपने मन की बात है वो यही है कि भाई मेहनत करो, फल की इच्छा नहीं रखती। खन्ना साहब, बहुत सारे मैंने ऐसे बिजनेसमैन व्यापारी देखे हैं, बिजनेसमैन देखे हैं जो व्यापार करने के साथ साथ समाज सेवा करने में भी इच्छुक होते हैं, और उन्हें लगता है कि समाज सेवा भी करनी चाहिए जिससे कि समाज का कुछ भला हो पाए। क्या आप भी ऐसे शौक रखते हैं? समाज सेवा तो होती है इसमें, जब बिजनेस करोगे तो समाज सेवा तो साथ साथ चलती है जी। अगर आप समाज सेवा में नहीं जाओगे तो बिजनेस नहीं चलता कभी भी। कहीं बैठोगे, कहीं जाओगे, किसी जगह पे भी आपने कोई किसी भी प्रोग्राम में, तो उसमें जाना ही पड़ता है समाज के अंदर, तो बगैर समाज के तो तरक्की नहीं हो सकती। वो तो है। खन्ना साहब, आपके रिजॉर्ट हैं, अलग अलग होटल्स हैं, और आज की अगर बात की जाए तो कंपटीशन हर जगह है, वो कोई भी फील्ड हो, वो कोई भी क्षेत्र हो, वो बिजनेस ही क्यों ना हो, तो आज आपके साथ भी बहुत ऐसे कॉम्पिटिशन आपके सामने होंगे, तो किसे आप कॉम्पिटिशन समझते हैं अपना? देखिए, मैंने तो ज़िंदगी में कंपटीशन किसी को समझा नहीं है। जब मैंने रिजोर्ट बनाया था 93 में, तब यहाँ 25-30 किलोमीटर पे कोई होटल नहीं था। हाँ। आज की डेट में यहाँ पे हर 2.5 किलोमीटर पे एक होटल है, तो कंपटीशन तो सबका, जितना मार्केट बनेगी, जितने लोग आएंगे उतना कंपटीशन होगा, उतना लोगों को पता लगेगा कहाँ अच्छा है, लोगों को जगह मिलनी चाहिए। अपनी अपनी च्वाइस होती है सबकी। बिल्कुल खन्ना साहब, चॉइस अपनी अपनी होती है, लेकिन लोग आपके होटल में आए, आपके रिजॉर्ट में आए, इसके लिए क्या अलग यहाँ पर सुविधाएं लोगों को मिलती हैं, क्योंकि आजकल हर जगह फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा दी जाती है। आपका होटल, आपका रिजॉर्ट किस तरीके से अलग है? तो सिर्फ घर के तरह से हिसाब किताब है। लॉन्स है हमारे पास, बिलियर्ड टेबल है, टीटी टेबल है, स्विमिंग पूल है, हेल्थ क्लब है, ये चीज़ें जो लोगों को चाहिए वो हैं। बाकी यहाँ हमारे यहाँ तो सब परिवार ही आते हैं, जो परिवार के साथ हमारा ये चलता है वो भी हमारे परिवार के मेंबर ही हैं। खन्ना साहब, तो घर वाला माहौल देने की कोशिश आपकी तरफ से की जाती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ आपसे, एज अ बिजनेसमैन सिर्फ कमाना आपकी प्रायोरिटी है, या फिर जो आपके ग्राहक हैं, जो आपके कस्टमर हैं, उन तक सुविधाएँ ज़्यादा उन्हें मिल पाए? मेरा तो एक ही है, कस्टमर खुश जाना चाहिए। पैसा कमाना कोई वो बात नहीं है बड़ी बात, पैसा कमाना तो हर आदमी जान, जो सड़कों पे चलते हैं वो भी पैसे कमाते हैं, जो बैठे होते हैं वो भी कमाते हैं, मगर जो मेहनत करके कमाने में या लोगों की सेवा करने में यहाँ पे हमें, मुझे खुशी तब होती है कि मेरा कस्टमर खुश जाना चाहिए ताकि नाराज ना हो। अगर कोई किसी वजह से, देखिए दुनिया में हर किस्म का आदमी है जी। हर आदमी खुश नहीं हो सकता किसी से भी। आप अपना परिवार ले लिए, उसमें भी कोई खुश नहीं रह सकता, सारे के सारे कोई आपको एक ना एक चलता रहता है। हाँ। थोड़ा बहुत बिल्कुल ये परिवर्तन है, संसार का नियम है। खन्ना साहब, जिस तरीके से आपने पिताजी, आपने बताया कि पिताजी ने नींव रखी बिजनेस की, आपने उसे आगे बढ़ाया, आगे आपने उसे संजोया है, उसे बड़ा किया है। एक पौधे को, एक बीज को जिस तरीके से खाद पानी दिया जाता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो फल देता है, तो इस तरीके से आपने इस बिजनेस को चलाया है, बड़ा किया है। तो जो खुद के बच्चे हैं, क्या उन्हें भी बिजनेस में ही आपने आगे इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहा, या उन्हें छूट है, आज़ादी है वो जो करना चाहे? उन्हें छूट है बिल्कुल। मेरा एक लड़का वो जयपुर गोल्डन में ही है, दूसरा लड़का मेरा वो अपने रिजोर्ट को देखता है जी। प्लस उसको, उसकी हॉबी जो है वो इसकी है कार रेसिंग की। हाँ। वो अपना कार रेसिंग में रहता है जी। अभी भी अपना डेजर्ट सफारी भी करता है वो जी। बाकी जितनी रेस होती है उसमें सब इंडिया में जहाँ भी रेस होती है वो जाता है। हाँ। और उसमें भाग लेता है, उसकी मर्जी है। मेरी तरफ से खुली छुट्टी है सब बच्चों को, दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को। हाँ। कि आप कोई भी काम करो मगर उसको लगन से करो, मतलब, ये नहीं कि जी, मतलब
बच्चों को भी पूरी छूट दी गई है खन्ना साहब की तरफ से, जैसे उन्हें छूट दी गई थी, बावजूद इसके उन्होंने अपना बिजनेस चलाया, उसे आगे बढ़ाया और आज वो यहाँ पर पहुँच गए हैं कि अगर कामयाब बिजनेसमैन की गिनती की जाए तो खन्ना साहब का भी नाम उसमें है। तो किस तरीके से इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए इस सफर को तय किया है और क्या कुछ खास रहा इस पूरी कहानी में, वो आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में, जिसमें आज हमारे साथ विपिन खन्ना जी हैं और उनसे हम जान रहे हैं कि किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं, कामयाबी का क्या मूल मंत्र हो सकता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि रिजॉर्ट है और जब आपने उसकी शुरुआत की थी तो आसपास दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाए नहीं कोई और रिजॉर्ट था, तब आपने इसकी शुरुआत की, लेकिन इसी में क्यों, आप किसी और में भी बिजनेस कर सकते थे, किसी और फील्ड में भी, यही फील्ड क्यों चूज़ किया? 1983 में हमने एक रेस्टोरेंट बनाया था दिल्ली में जिसका नाम था सिल्वर प्लेट। वहीं से मन में था कि एक होटल बनाना है कभी, तो लगन थी होटल बनाने की। तो 10 साल के बाद 93 में, फिर 89 में इसको बनाना शुरू किया, 93 में कंप्लीट हुआ। 12 कमरे से स्टार्ट किया था, आज की डेट में 94 रूम। शौक था, मेहनत थी। भी हमें पता चला है कि जब आपने इसकी शुरुआत की तो इंटीरियर आपने कहीं और से डिज़ाइन नहीं किया, खुद हर चीज़ आपकी आपकी तरफ से की, सब कुछ अपना ही है। मैंने अपने आप ही सारा इसको बनवाया हुआ है और कोई ठेके पे नहीं बनवाया, डेली वेजेस पे मैंने इसको बनवाया हुआ है और उसी हिसाब से आज भी काम चल रहा है। 89 से लेके और आज तक राजमिस्त्री काम कर ही रहा है। कह सकते हैं आपके काम के साथ आपका मन भी जुड़ा है, आपका दिल भी जुड़ा है, यानी कि जो आपका जुनून था, जो आपका पैशन था, उसे आपने प्रोफेशन बनाया। जी, मेरा आज भी जुनून है काम करने का, कि काम करते रहना चाहिए आदमी को, जब तक जान है जब तक काम करते रहना चाहिए। खन्ना साहब, जब शुरुआत की होगी तो उस वक्त तो उम्र बहुत कम रही होगी, तो जोश बहुत ज़्यादा होगा काम करने का, और जब जुनून हो तो जोश और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जब अनुभव भी बढ़ रहा है, उम्र भी बढ़ रही है, अब जोश और जज्बा कितना है? नहीं, अब तो बच्चे देखते हैं, मेरा तो आज भी जुनून है काम करने का। मैं तो कहता हूँ रोज़ एक काम करना चाहिए, मतलब काम करते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे जी। अगर आप घर पे बैठ गए तो समझो आप बैठ गए घर पे। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि खन्ना साहब रोज़ाना करीब 200 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, भले ही बच्चों ने जिम्मेवारी संभाली हो, बावजूद इसके वो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं। लेकिन इतनी सारी जिम्मेवारियाँ जब खुद पर आ जाती हैं तो उन सबको मैनेज भी करना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो उन चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? मुश्किलें तो आती रहती हैं, मुश्किलें अगर आप फेस कर लेते हो तो सब कुछ ठीक है, आपको फिर उसको फेस करना आना चाहिए। कई बार आदमी कहीं ना कहीं अड़ भी जाता है पर उसमें से निकलना आना चाहिए, तो मैं निकल जाता हूँ। खन्ना साहब, क्या बिजनेस को और आगे बढ़ाना या और ज़्यादा बढ़ाने की इच्छा या तमन्ना है? मैंने कहा ना जी, मेरा तो जुनून है, जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक मैं काम करता रहूँ और काम में ही मुझे मज़ा आता है। मैं सुबह घर से निकलता हूँ और शाम को घर में जाता हूँ, उसके बाद मैं कहीं नहीं जाता, अपने काम सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ, घर में बैठ के मैं कोई काम नहीं करता। साहब, क्या देश के साथ विदेश में भी बिजनेस को बढ़ाने की सोच आपने रखी? नहीं, मैंने आज तक नहीं सोचा, मुझे तो अपना इंडिया प्यारा लगता है, इंडिया से अच्छी मुझे कोई जगह, मैं घूमा सब जगह हूँ मगर मुझे सबसे अच्छा अपना हिंदुस्तान लगता है। मतलब सब जगह जाने के बाद अपना मन अपनी धरती अपनी ज़मीन से जुड़ा? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। साहब, अब आगे और क्या सोचा है, क्योंकि अब बिजनेस भी फल फूल चुका है, बढ़ा लिया जितना बढ़ाना है और बच्चों ने भी जिम्मेवारियां संभाल ली हैं, अब आगे क्या सोच रखते हैं? मेरी सोच तो यह है कि काम चलता रहे, बढ़िया काम चले, मेहनत करता रहना चाहिए मेरे को, बस बच्चों को मेहनत के लिए कहता रहता हूँ। वो कहते हैं पापा आप कर सकते हो इतना काम, हम नहीं कर सकते, उनका और मेरे में बड़ा फर्क है। लेकिन खन्ना साहब, जो जुनून आप में अब भी है, जो जज्बा आप में अब भी है, बार बार आप एक चीज़ को दोहरा रहे हैं कि जब तक जीवन है तब तक काम करूंगा और काम करना मेरा शौक है, लेकिन जो हमारे युवा हैं
जो कई बार समझ नहीं पाते कि किस स्टेज पर वो हैं, क्या सिचुएशन उनके सामने है, क्योंकि कई बार विपरीत परिस्थितियां, मैं दोबारा दोहराऊंगी, उनका सामना नहीं कर पाते हैं, उन युवाओं को इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए क्या आप कहें? मैं तो सभी बच्चों को या अपने साथियों को जितने भी हैं सबको एक ही बात कहता हूँ कि आप काम की तरफ ध्यान दो, काम को देखो, काम से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आपका मन भी लगा रहेगा, आपका टाइम भी पास होगा और आराम से चैन की नींद भी आप सोएंगे। मैं आज की डेट में भी ऐसी लाइफ लोगों की है जो रात भर जागते हैं। मैं 9 बजे सोता हूँ रात को और सुबह 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ। खाना साहब, एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए, एक सफल व्यापारी बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या मूल मंत्र होना चाहिए, आपसे जानना चाहें? ईमानदार, सबसे बड़ा जो है वो ईमानदारी है। हेरा फेरी से कमाया हुआ पैसा ना तो रुकता है, ना आपके पास ठहरेगा। जैसे पानी बह जाता है वैसे वो भी बह जाता है, इसलिए मेहनत करके जो पैसा कमाया है वो रुका रहेगा। खन्ना साहब, इसी के साथ आपके जीवन के बारे में और डीपली हम जानना चाहेंगे, अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए। जब कॉलेज स्टडीज आपने कंप्लीट की, हमने सुना है उस समय में आपने लव मैरिज की थी, जो कि बहुत कम होती थी और बहुत ही कम देखने या सुनने में मिलता था। जी हाँ, कॉलेज में पढ़ते थे, दिमाग में आ गया, साथ लग गए और घर वालों ने मना किया था, पर उसके बाद भी जहाँ होना होता वहीं होती है, किस्मत वहीं थी तो वहीं होनी थी। तो मतलब ये आइडियल स्वभाव या फिर जो करना है, जो ठान लिया करने का, वो शुरू से ही था, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो शादी है, चाहे वो कुछ पाने की इच्छा है, वो आज भी है। जिसको जो मन में आता है वो मैं करता हूँ। कैसे सबको आपने मनाया? आपने बताया कि सब खिलाफ थे, कोई मानने को तैयार नहीं था। सर हमारे पुराने टाइप के थे तो उसी हिसाब से धीरे धीरे करके मान ही जाते हैं। खन्ना साहब, कौन से सन में आपकी शादी हुई दर्शक? मेरे 1974 में। तो उस दौरान की ये बात है जब बहुत कम लव मैरिजेस सुनने को मिलती थी और बहुत ही कम हुआ करती थी, यानी कि घर वाले ही, ऐसा भी मैंने सुना है कि लड़का लड़की शादी के बाद ही एक दूसरे को देख पाते थे, उस दौरान आपने लव मैरिज? जी हाँ, इसी वक्त करी थी। तो खन्ना साहब, आपके बारे में जाना, आपके जीवन के बारे में जाना, आपके कामयाबी के सफ़र के बारे में जाना, आपकी मेहनत के बारे में जाना, आपके जुनून के बारे में जाना, तो हमारे दर्शकों को जाते जाते क्या संदेश देंगे? मेरा तो एक ही संदेश है सबके लिए, काम करो, मेहनत करो, फल की इच्छा मत रखो, फल भगवान अपने आप देगा आपको। बहुत खूब। तो सुना आपने खन्ना साहब जी का कहना था कि काम करो, मेहनत करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो, फल मिलेगा भले ही देरी से मिले। तो कामयाबी की इस कहानी में आज का सफ़र आपने जाना, विपिन खन्ना जी का, किस तरीके से उन्होंने बहुत ही स्मूथली और बहुत ही आसानी से अपने सफ़र को तय किया और आज वो कामयाबी के उस शिखर पर पहुँच गए हैं जहाँ पर उन्होंने जब शून्य से शुरुआत की, मेहनत के दम पर आज वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।